कैसा एक्साइटमेंट कैसी हो रही है? फर्स्ट टाइम मैं पी रहा हूँ स्प्राइट, ये इधर पी रहे कोका कोला। कैसा एक्साइटमेंट कैसी हो रही है? आई पिक्ड अप वन प्रॉब्लम जो फूड इंडस्ट्री में है, और फूड इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री, इट्स अ कोर ऑफ एवरी। फाइनली फाइनल फोटो स्टार्ट। फाइनल ईयर स्टूडेंट। फाइनल ईयर स्टूडेंट को एक्साइटमेंट कैसी हो रही है? फर्स्ट टाइम आए हो? हां फर्स्ट टाइम आई हूं। तो फाइनली दोस्तों आज मैं दिल्ली में फेमस बीटेक पानी पूरी वालों के पास, मतलब पानी पूरी की रेडी उधर उन्होंने लगा के रखी है, इन्होंने डोसा की लगा के रखी है। तो देख सकते हो वो, देखो मैडम डोसा बन रहा है अपना, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। पहले इनकी दुकान थी गोलगप्पों की, अब इन्होंने गोलगप्पों के साथ साथ डोसा की। और ये भैया क्या थे? ये नहीं आपके, ये नहीं नहीं कहाँ से आते हैं? क्या है ये पूछ रहा हूँ। खाने के लिए बना रहा चिल्ला चिल्ला, ये फ्रेंड्स चिल्ला है, ये डोसा। ओह माय गॉड वाओ सर। और क्या क्या मिलता है आपकी शॉप पे? मिल्ट उपमा मिलता है सर। अच्छा, और रागी इडली, रागी डोसा है। अच्छा। ऑनियन मसाला डोसा है। अच्छा, ऑनियन चाहिए तो अलग से मिलेगा। अच्छा। और कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, नो रिफाइंड है। अच्छा चलो, तो फाइनली फ्रेंड्स अभी अपना डोसा बना है, डोसा टेस्ट करके बताएंगे क्या स्वाद आता है। बाकी हमारा पास है, तो फ्रेंड डोसा टेस्ट करके बताते हैं कैसे क्या बनता है। तो अभी अपनी मैडम से मिलाएंगे, बीटेक वाली मैडम से। रुको जरा सबर, मैं पी रहा हूँ स्प्राइट, ये इधर पी रहे कोका कोला। एक्साइटमेंट कैसी हो रही है? फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आए, फाइनली फाइनल फोटो स्टार्ट। टेस्ट करके बताइए कैसा है, फिर मैं टेस्ट करूंगा। पूरा खा लेना उसके बाद स्वाद बताना, ठीक है? परफेक्ट है। तो फाइनली फ्रेंड्स इतना तो अब हम खा के देखते आपने बीटेक रियल में कर रखी हुई है? आपने फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप दिल्ली में ही पढ़ते हो? अच्छा, कितने ये आप कब से लगा के रखा हुआ है आपने? तो मैंने आपको थार में भी देखा था एक बार, आप थार में भी लेके आते हो वो थार। आपने यही सोशल मीडिया की इनकम से आपने वो किया है? सोशल मीडिया की इनकम से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो फूड का बिजनेस है, फूड के बिजनेस से। तो आप एक टाइम पे अभी आप इतने फेमस हुए थे कि यहाँ पे भीड़ लग रही थी, लोग आ रहे थे आप वीडियो बनाने के लिए, है ना? मैंने भी आपकी वीडियो वहाँ से देखी है, तभी मैं अभी वैसे मैं प्लान ही था दिल्ली आया था, मैं आपसे मिलके जाना था, यही मेरा प्लान था। सो आप क्या कह सकते हो, मतलब बिजनेस ये जो अपना बिजनेस सही होता है, जो पढ़ लिख के मतलब किसी के अंडर लग के काम करने में वो वाला सब ज्यादा सही रहता है? देखो जो आपका पैशन है ना उसको फॉलो करो। हो सकता है कि आपका जॉब करना पैशन हो, और जॉब कुछ ऐसी जॉब जो आपके पैशन को फुलफिल करती हो, जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करती हो, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकती कि क्या चीज अच्छी है। अच्छा, आपने आपने ये कैसे, मतलब आपका आइडिया कैसे है कि हाँ भी मैं एक पानी पूरी की शॉप खोलूंगी? आप मतलब कहाँ से स्टॉक हुआ आपके माइंड में? ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम फूड इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। अच्छा। और स्वास्थ्य भारत अभियान है, मिशन हेल्दी भारत पर हम हैं, तो हमने हेल्दी पानी पूरी से स्टार्ट किया था। अच्छा। कि पानी पूरी एक ऐसा स्नैक है जो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट्स में खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है, तो उससे हमने शुरू किया था। उसके बाद हमने बहुत सारे ऐड ऑन किए स्वस्थ भारत बनाने के लिए। अच्छा। जैसे अभी आप देख सकते हैं दक्षिण डिलाइट जो साउथ इंडियन फूड के कार्ड है, जिसमें मिलेट्स के ऑप्शन भी है, रागी का डोसा, रागी की इडली, बार्नयार्ड मिलेट का उपमा। तो दिस इज हाउ इट गोस। आपका ड्रीम था कि हाँ मैं भी ये करूंगी, मतलब पानी पूरी, मतलब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का था। तो आई पिक्ड अप वन प्रॉब्लम जो फूड इंडस्ट्री में है, और फूड इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री, इट्स अ कोर ऑफ एवरी इंडस्ट्री जो मुझे लगता है, और हर एक अदर इंडस्ट्रीज रिलेटेड और कोर रिलेटेड टू दिस, तो इसीलिए मैंने इसको पिक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, ड्रीम का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो
जैसे कि मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि हाँ भी पढ़ो पढ़ो लिखो पढ़े लिखे पढ़ोगे लिखोगे, मेरा ये कहना है कि घर वाले मैं पढ़ूंगा लिखूंगा ज्यादा ज्यादा किसी के अंदर 30-40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी करूंगा। पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है, वो कभी जाया नहीं होती, वो सही पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। पर मैं उनसे कह रहा हूँ कि हाँ भी मेरा भी जैसे कि फूड वूड जैसे कोई शॉप है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मेरा शौक है। तो आपको सही और गलत का चुनाव करने में उसके बीच में आपको क्या चुनना है वो नॉलेज ही हेल्प करती है ना, और वो एजुकेशन से ही आती है। एजुकेशन एंड विजडम आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई छोड़कर कुछ नहीं करना है बल्कि सब कुछ करते करते पढ़ाई जरूरी है। तो एक फ्रेंड एक टाइम था जब कोई भी पानी पूरी जैसे यूपी बिहार से आते थे पानी पूरी बेचना स्टार्ट कर दिया, आज बीटेक वाले लोग पढ़े लिखे लोग पानी पूरी बेच रहे हैं, मतलब हेल्दी पानी पूरी बेच रहे हैं, फूड रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, स्वस्थ भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं बीटेक करने के साथ साथ। फ्रेंड्स कई मंदे अनपढ़ गवार होते थे वो ये काम करते, आप पढ़े लिखे बताओ तो इंडस्ट्री को कैसा करने के लिए आज ये काम कर रहे, मतलब मेरे को कैसे प्राउड होता है, मेरे को माइंड में स्ट्रॉक होता है जितिन तू भी कर ले, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। नहीं, पढ़ाई में बहुत कुछ रखा है, पढ़ाई से ही आप सीखते हैं, पढ़ाई करके ही ये समझ में आया कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पानी पूरी को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, कैसे समाज के कैसी प्रॉब्लम जो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा जो इंडिया है इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द कैंसरस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, अभी नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस हमारी जो ओबेसिटी है वो इंडिया की नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस है। तो ये पढ़ाई लिखाई से ही आया है ना, तभी हम इसको रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आप इतनी विजडम या नॉलेज गेन कर पाते हैं कि आप सही और गलत के बीच का फर्क जान पाते हैं, है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग होके पानी पूरी बेचते हैं वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो वो करें, वो अपना घर चलाने के लिए वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हो, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो नॉलेज और विजडम इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू स्टैंड अपार्ट। तो फ्रेंड इंग्लिश चेक कर सकते हैं, इतनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती तो फ्रेंड इंग्लिश दे सकते हैं। बाकी आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा है और आपका डोसा भी बहुत स्वाद था।